एक पौधे को पेड़ बनने में कई साल लगते हैं, और इतना स्ट्रगल फेस करने के बाद बड़े हुए इस पेड़ को काटने में कुछ मिनट। एक तरफ पूरी दुनिया और दुनिया के सभी बड़े लोग पेड़ लगाने की बात करते हैं, वहीं दूसरी ओर सरकार बसे बसाए घने जंगल को काटने की परमिशन दे देती है। मैं बात कर रहा हूं छत्तीसगढ़ के हसदेव की, जहां 800 स्क्वायर किलोमीटर में फैले घने जंगलों को काट कोल माइन बनाने की परमिशन सरकार दे चुकी है। हसदेव में रहने वाले लोग पिछले 10 सालों से न सिर्फ अपनी जमीन बल्कि उन लाखों जानवरों, पेड़ पौधों और अपने अस्तित्व के लिए लगातार लड़ रहे हैं। एक तरफ जहां नए कोल माइन के लिए लगभग 2 लाख पेड़ों को काटा जाएगा, वहीं दूसरे माइन जो अभी रनिंग है उसे एक्सपांड करने के लिए 2.5 लाख और पेड़ों को काटा जाएगा। हसदेव की जमीन से जुड़े लोगों ने हर संभव कोशिश कर ली। 300 किलोमीटर लंबी पदयात्रा कर ग्रामीण रायपुर तक आ गए, पर अब भी बात बनी नहीं। इतने पेड़ों के बड़े होने की बात तो भूल जाइए, अगर हम बस इतने पौधे लगाने भी जाएं तो सालों लग जाएंगे। और यहां हमें सोचना चाहिए कि हमें किस चीज की जरूरत है। बिजली के बिना हम शायद फिर भी जी सकते हैं, ऑक्सीजन के बिना जी पाएंगे? पिछले कुछ सालों में मौसम का कहर हम सबके सामने है, और इसके रीजंस भी हम सभी जानते हैं। जो यूं ही जंगल काटे गए और हम सब ने कुछ नहीं किया, तो देर सवेर हमारे एग्जिस्टेंस पे भी सवाल जरूर आएगा। इस विषय को जन जन तक पहुंचाएं और सरकार से हर संभव तरीके से रिक्वेस्ट करें कि हसदेव की हरियाली को बरकरार रहने दिया जाए। हसदेव की छाती चीरने का इरादा गलत है।